हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक्नो हैदराबाद, आपका अपना पहला हैदराबादी टेक न्यूज चैनल। अगर आपको स्मार्टफोन्स में इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं इस तरह का इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टेक न्यूज से। आज की पहली खबर आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने अपना iOS 15 रोल आउट स्टार्ट कर दिया है। जिसके पास भी आईफोन 16 प्लस है वो इस अपडेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की दूसरी न्यूज आ रही है रियलमी की तरफ से। बताया जा रहा है कि Q2 2021 में रियलमी 6th लार्जेस्ट स्मार्टफोन ब्रांड बन गया है। अगली खबर रेडमी की तरफ से आ रही है। रेडमी ने इंडिया में अपने दो नए स्मार्ट टीवी लॉन्च कर दिए हैं। 32 इंच का टीवी 16,000 में लॉन्च हुआ है और 43 इंच का टीवी 25,000 में लॉन्च हुआ है। अगली न्यूज है ओप्पो की तरफ से। ओप्पो ने अपने ओप्पो A54 और F19 पर ₹1,000 से प्राइस बढ़ा दिया है। बताया जा रहा है कि ये चिप शॉर्टेज की वजह से हो रहा है। जैसे दूसरे कंपनीज कर रहे हैं शाओमी रियलमी, उसी तरह अब ओप्पो भी अपना फोन का प्राइस बढ़ा चुका है। अगली खबर भी ओप्पो की तरफ से ही है। ओप्पो F19s इंडिया में 27 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। इसमें 5000 mAh बैटरी और 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग होगा। ओप्पो के फोन अपने कैमरा के लिए जाने जाते हैं। अगर किसी को अच्छे कैमरे का फोन चाहिए तो वो ये फोन के लिए वेट कर सकते हैं। अगली न्यूज आ रही है शाओमी की तरफ से। शाओमी चाइना में बहुत जल्द अपना CV सीरीज को लॉन्च कर सकता है। ये सीरीज CC9 सीरीज को रिप्लेस करेगी और ये फोटो सेंट्रिक स्मार्टफोन होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की लेटेस्ट टेक न्यूज। इस तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए टेक्नो हैदराबाद को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो हमें सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके, और जो भी वीडियो में थोड़ी बहुत गलती हुई है उसे माफ करिए। और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।